तो सुबह सुबह संडे को मेरी बेटी उठी और एक स्वीट सी आवाज़ में बोली कि मम्मा मुझे आज बर्गर खाना है। तो मैंने सोचा ये बर्गर प्लेटर मैं उसके लिए आज घर पे प्रिपेयर करूँगी। सो वेलकम और वेलकम बैक टू टेस्टी बाइट्स। ये रेसिपी मैंने उसी के लिए डेडिकेट की है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए एक पैन में मैंने 1 टीस्पून लिया है बटर और इसमें मैं मिंस्ड गार्लिक यानी लहसुन डालूंगी 1 टेबलस्पून। अब इसमें 1/2 कप अनियन डालूंगी मैं और 1/2 कप अपनी चॉइस के आप वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैंने मटर, गाजर, कॉलीफ्लावर ऐड किया है और इसे थोड़ा सा स्टर करके मैं इसमें फ्रेंच बीन्स ऐड कर रही हूँ। ये एक वेज बर्गर प्लेटर है। सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाना चाहिए और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दें। अब मैं बना रही हूँ मिंट मेयो, जिसके लिए मैंने प्लेन मेयो ली है, किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने डाली है 2 टेबलस्पून चटनी, ये होममेड चटनी है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड कीप इट असाइड। और अब मैं लूँगी एक बाउल जिसमें मैंने 2 बॉइल्ड पोटैटो ऐड किए हैं। अपनी जो कुक्ड वेजी है उन्हें मैंने ठंडा करके ऐड किया है। साथ में मैं डालूंगी इसमें ब्रेड क्रम्स और अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और सीजनिंग के लिए मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून ओरिगैनो, ब्लैक पेपर। पैटी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए राइस फ्लावर ऐड किया है मैंने और साथ में मैं डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे। इंग्रेडिएंट की जितनी भी लिस्ट है मैंने क्वांटिटी सब डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिक्सचर रेडी है, अब इसकी हम बनाएंगे पैटीज। इसको अच्छे से हाथ में राउंड करना है, अच्छी सी पैटी की शेप देनी है। आप इसको साइड से भी इवन कर लीजिए और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह की पैटी ये रेडी हो जाएगी। तो मैंने बनाई है यहाँ पे 4 पैटीज। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक स्लरी बना रही हूँ। मैदा लिया है मैंने, थोड़ा सा राइस फ्लावर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, उसके साथ में ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरह से इसका एक घोल बना लेंगे। स्लरी जब रेडी हो जाएगी तो इसमें अपनी पैटीज को आपको कोट करना है स्लरी में एक बार अच्छे से इसे कोट करके। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लेक्स को कोर्सली ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, इसे अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स से कोट करिए और इसे फ्रीज करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज कर दीजिए ताकि तलते हुए ये जो कॉर्नफ्लेक्स है वो छूटे ना तेल में। अब मैं बना रही हूँ होममेड फ्राइज, जिसके लिए मैंने इधर पानी यूज़ किया है और इसमें मैंने डाला है नमक। 5 से 7 मिनट के लिए आपको कटे हुए आलू इसमें छोड़ने हैं और जब थोड़े से आलू पक जाएंगे, बिल्कुल 40% पकाना है आपको आलूओं को, उन्हें आप ड्रेन आउट कर लें और एक टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से सुखा लें। एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। अब इसमें अपने जो सूखे हुए आलू थे जो आपने ड्रेन आउट कर लिए थे उन्हें डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। याद रहे इन्हें बहुत जेंटली मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और अब एक पैन में मैंने तेल लिया है, इसमें मैं अपने जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो ऐड कर रही हूँ। और प्रो टिप ये है कि आपको बिल्कुल स्लो मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं, अब मैं इन्हें कोट करूँगी मैगी मसाला के साथ। इतने फ्रेंच फ्राइज में 1 पाउच इनफ होता है और इसे मैं अच्छी तरह से कोट करके इसे साइड में रख लूँगी। और अब बारी है पैटीज की। पैटीज की प्रिपरेशन के लिए मैंने उसी तेल में अपनी पैटीज ऐड की है और इनको भी बिल्कुल लो फ्लेम तक, क्रिस्पी होने तक आपको इवनली कुक करना है टर्न करके। इमीडिएटली जब आप पैटीज डालेंगे तो उसे टच मत कीजिए, तकरीबन 2 मिनट तक उसे कुक होने दीजिए। और अब पैटीज भी रेडी हैं। अब एक पैन में मैं थोड़ा सा बटर ऐड करके अपने बंस को टोस्ट कर लूँगी ताकि जब मैं बंस को स्टैक करूँगी बर्गर्स को तो वो सॉगी नहीं हो। अपने जो बर्गर बंस हैं मैं थोड़े से हल्की फ्लेम पे इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। टोस्ट करने के बाद इन्हें मैं स्टैक करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ लिया है मैंने एक बर्गर बन, लेटस रखी है उस पर मैंने, इसके साथ मैंने पैटीज ऐड किए अपनी। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें
टोमेटो स्लाइस। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें टोमेटो अनियन एडजस्ट कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरी बेटी को ऐसे पसंद है तो मैं इस तरह से स्टैक कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा केचप यूज़ करके एक चीज़ स्लाइस ऐड की है। लास्ट बन पे मैं अपनी मिंट मेयो जो मैंने प्रिपेयर की थी होममेड, उसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ और अब मैं स्टैक कर दूंगी। तो बस आपका प्लेटर रेडी है, फ्रेंच फ्राइज ऐड कीजिए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ इसे सर्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।